नमस्कार। तो डेट है आज की 29 मई 2022। आज जो था वो कंडक्ट किया गया था स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर। इसका पोस्ट कोड 928 था। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने 1 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक जो था वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब 100 से लेकर 200 नंबर तक जो है हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पेपर फिर कम्प्लीट हो जाएगा। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप देख लेना। टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पर वीडियो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। बोलते हैं हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्य डेंसिटी। इनमें से कौन सा जो था वो मौर्य डेंसिटी का पार्ट नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अजातशत्रु होगा, ये मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं था। वह 102 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसका होगा आही होल जो इंस्क्रिप्शन था वो सही आंसर है। 103 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं टू होम डिड अकबर गेव द टाइटल ऑफ मियाँ। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अकबर ने मियाँ का टाइटल जो था वो तानसेन को दिया था। मैंने पहले भी आपको बताया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इंडिया जी के जब हम डिस्कस करते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, और अब आपको पता चलता होगा कि कितना हेल्पफुल जो होता है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, वहाँ से कितनी हेल्प मिलती है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का पुराना ओरिजिनल नाम क्या था। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका नाम था मेहर उन निशा। ऑप्शन सी सही आंसर है, मेहरूर निशा इसका ओरिजिनल नाम था। कुतुब मीनार जो था वो फाइनली रीबिल्ट की गई थी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बोलते हैं द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन विच ईयर। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत की थी, 1940 में की थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मराठा वर डिफीटेड इन विच बैटल ऑफ पानीपत। तो आपको पता है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीसरी लड़ाई जो था वो मराठाओं के साथ हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकृत सरकार का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर होगा क्या, जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विधायी पुनरीक्षण जो है इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप इज मेंशन। तो सिटीजनशिप जो है वो दूसरे पार्ट में है। मैंने सारे के सारे पार्ट आपको बताए हुए हैं और हम डिटेल से इनको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। 111 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज सीन इन इंडिया। तो कौन सा फेडरलिज्म जो है इंडिया में देखने को मिलता है, होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन ये देखने को मिलता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन इन टर्म ऑफ पार्लियामेंट। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 113 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए मिनिमम, ऑप्शन सी सही आंसर है, बहुत बार डिस्कस हुआ है। 114 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासिस अगेंस्ट वार्म एयर मासिस इज कॉल्ड। तो देखो दो टाइप की रेनफॉल तो हमने पढ़ी थी, एक कन्वेक्शनल रेनफॉल हमने पढ़ रखी थी, ये तो नहीं होगा, और एक हमने और रेनफॉल पढ़ी थी शायद ओरोग्राफिक रेनफॉल थी, तो वो भी नहीं होगा। फ्रंटल रेनफॉल जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स स्केंटली रेनफॉल बिकॉज इट इज। तो बोलते हैं डेक्कन पठार जो है वो अपर्याप्त वर्षा इसमें होती है, किस कारण जो है इसमें अपर्याप्त वर्षा होती है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो कारण इस तरह से है कि यहाँ पर जो है इट इज़ अ रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया है, ये ऑप्शन है सही। आगे बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क कान्हा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडिया टोटल पावर इज ऑलमोस्ट। तो बोलते हैं भारत में कुल बिजली में पन बिजली का योगदान कितना होता है, 1/5 होता है, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बोलते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज इन। तो ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है पेरम्बूर में, पेरम्बूर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 119 में बोलते हैं विच इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो फीमेल पॉपुलेशन की जो कमी है यहाँ पर जनसंख्या में, उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है तो इसका ऑप्शन सी सोशल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। 120 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो भारत का एक स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन डी सही आंसर है। 121 में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर में द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर बिजनेस यूनिटीज।
तो जो व्यावसायिक संस्था होती है उसके लिए दीर्घकालीन कर्ज का मुख्य स्रोत क्या होता है? उसके लिए मुख्य स्रोत होता है सेल्स ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय इनके चुंगी क्या है? चुंगी एक कर है, टैक्स है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 123 में बोलते हैं ड्राइंग ऑयल्स कंटेन अ फेयरली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ, तो ये फेयरली लार्ज प्रपोर्शन कंटेन करता है किसका? ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर क्या होगा? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आगे बोलते हैं इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज, तो इंसानी शरीर में अपर्याप्त खून की आपूर्ति होती है किसके कारण? स्कैमिया के कारण है, स्कैमिया के कारण। ऑप्शन ए सही आंसर है। 125 में बोलते हैं एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्टिव, तो दो पास में रखी वस्तुओं में भेदभाव करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोलते हैं इन आ रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर, तो रिचार्जेबल सेल में जो है किस तरह की एनर्जी स्टोर होती है? इसमें केमिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मेटल, मेटल उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होता है। आगे बोलते हैं विच फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन, मिनिमम एनवायरमेंट पॉल्यूशन हाइड्रोजन से होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, सबसे कम जो पर्यावरण पर वातावरण का प्रदूषण होता है। 129 में बोलते हैं हु वॉज द ओनली कंटेस्टेंट फॉर इंडिया इन बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, तो बोलते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत से एकमात्र प्रतिस्पर्धी कौन थे? वो थे अरिफ खान। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 130 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ODI मैचेस, तो ये अपना इंडिया टीम बनी है जिसने क्रिकेट में जो है वो 1000 ODI खेलने का जो है इतिहास रचा है। आगे बोलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बोलते हैं द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो उसको मेल मर्ज जो है वो कहते हैं। आगे बोलते हैं इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू, तो ये यूज किया जाता है मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, तो MS वर्ड्स की फाइल जो है स्टार्ट होती है winword.exe। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड, तो ये क्या जो वर्ड में जो है वो किसे क्रॉस रेफरेंस के रूप में इंसर्ट किया जाता है? वर्ड फील्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड टू, तो कंट्रोल प्लस जी जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ आ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो ओरिएंटेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये है ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। 137 में बोलते हैं इन MS वर्ड द की F12 ओपन है, F12 ओपन करती है सेव एज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, सेव एज इसका सही आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। 138 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन MS वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम, तो इसका मतलब होता है मार्जिन। ऑप्शन सी जो है वो सही। आगे बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप, तो इसका सही आंसर है 10। ऑप्शन ए 10 सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ्रंट साइज टूल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार MS वर्ड, तो ये 8 और 87 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बोलते हैं इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, तो वर्ड में मेलिंग लिस्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेटा सोर्स जो है इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, डेटा सोर्स इसको कहते हैं। आगे 142 में बोलते हैं विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, तो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट कौन नहीं है? ऑप्शन बी फाइल मैनेजर नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखो MS डॉक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनमें थोड़ी थोड़ी गलती हो सकती है, तो इसलिए ये 5-7 क्वेश्चन जो है उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, हम सीधा 151 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। सिर्फ यही 5-7 क्वेश्चन सारे के सारे MS डॉक्स से रिलेटेड है, तो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये गलत हो सकते हैं थोड़े से, तो टारगेट हमारा ये नहीं है कि हम गलत क्वेश्चन गलत नॉलेज आपको दें, परंतु फिर भी अगर बताए हुए क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो आप जेन्युइन रूप से प्रॉपरली चेक करके कमेंट कीजिएगा, ऐसे फालतू में कमेंट मत कीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 151 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य जो फीचर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच सब्जेक्ट इज नॉट डेल्ट विद द पुराणास, तो पुराणास से जो है वो कौन सा विषय जो है वो विचार नहीं किया गया है, यहाँ से नहीं किया गया है अर्थमेटिक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 153 में बोलते हैं विच प्लेस वॉज फेमस एज सीट ऑफ महायाना लर्निंग, तो ये जो महायान था विद्या, इसकी जो लर्निंग थी वो किस उसके लिए स्थान प्रसिद्ध था, नालंदा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 154 में बोलते हैं द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन गोल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज नॉन एज, तो गुप्त काल जो था उसमें सोने में जो एक्सचेंज होता था उसका माध्यम उसको क्या कहते थे, उसको जो था वो सुवर्ण कहते थे, सुवर्णा सिस्टम था वो। ऑप्शन डी सही आंसर है। 155 में बोलते हैं द अर्लीएस्ट सीड्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया फाउंड इन, तो भारत में भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती बीज पाए गए थे वो सूफी फिलॉसफी में पाए गए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट नेम एसोसिएटेड विद शिवाजी, तो शिवाजी का नाम जोड़ा जाता है रामानंद के साथ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अशोका पिलर इज लोकेटेड एट, तो अशोक का पिलर जो है वो कहाँ पर स्थित है, लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फतेहपुर सिकरी के अधिकतम भवन जो है वो किससे बने हुए हैं, तो फतेहपुर सिकरी के अधिकतम जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं रेड सैंडस्टोन से। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तैमूरिन, तो इंडिया को तैमूर ने इन्वेड किया था, HPG के में भी इसको हम कई बार पढ़ते हैं, तो ये 1839 में किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं कब हुई थी, प्लासी की तीन लड़ाइयाँ हुई थी, इन्होंने एग्जैक्टली नहीं पूछा है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में भी जो था वो एक लड़ाई हुई थी, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। थर्ड बैटल थी पानीपत की, वो हुई थी 1761 में। आगे बोलते हैं 161 में हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा, तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिजदा का प्रथा को जो था वो स्थापित किया था, तो सिजदा प्रथा किसने स्थापित की थी, ये बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 163 में बोलते हैं हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का आइडिया था ये रहमत अली के द्वारा जो था वो कंसीव किया गया था, इसकी कल्पना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। लाला लाजपत राय ने जो था इनमें से कौन सी भाषा में नहीं लिखा था, तो उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं जो बजट का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में किसके कार्यकाल के दौरान, तो ये वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम। ऑप्शन बी सही आंसर है। 166 में बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, तो फाउंडर कौन थे प्रेजिडेंट ऑफ इसके, फाउंडर प्रेजिडेंट कौन थे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के, सुभाष चंद्र बोस थे आपके। ऑप्शन ए सही आंसर है। 167 में बोलते हैं महात्मा गांधी गेव द कॉल टू रिएक्ट फॉरेन गुड्स ड्यूरिंग द, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी सामान जो है उसका बहिष्कार करो, ये इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स अवर कंट्री एज, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान को क्या नाम देता है, बोलता है इंडिया एज अ भारत, इंडिया दैट इज भारत, ऐसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 169 में बोलते हैं विच इज द फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसका फ्यूचर होता है, जो फीचर होता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लेजिस्लेटिव को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड, अगर आप डेली वीडियोज देखते हैं ना मैं इनको बहुत बार रिवाइज कराता हूँ, जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट है, तो ये आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव की असेंबलीज की सीट्स होती हैं उनकी कितनी होती है मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम मेंबरशिप, तो वो होती है 500। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर बोलते हैं डेडलॉक लाइक सिचुएशन बन जाती है ना किसी भी हाउस में, तो दोनों हाउस में ऐसी सिचुएशन बन जाती है डेडलॉक की, तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेज की, उसको कौन जो है वो प्रिजाइड करता है, उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग इज प्रिजाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बोलते हैं द आइडिया ऑफ जो कंक्रेंट लिस्ट है उसका आइडिया जो है हमने कहाँ से बोरो किया है, तो कंक्रेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इलेक्शन कमीशन किस तरह की बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, तो ये तो आपको पता है कि पहले प्रेजिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेजिडेंट थे। आगे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है, भारत का जो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। �177 क्वेश्चन में बोलते हैं विच
इज प्रिजाइडेड ओवर बाई अ नॉन मेंबर। तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को और ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। ऑप्शन बी सही आंसर है, राज्यसभा। आगे बोलते हैं विच लैंग्वेज इज नॉट रिकोगनाइज इन इंग्लिश इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में रिकोगनाइज नहीं है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। 179 में बोलते हैं विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता? देखो डिफेंस तो यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवे भी यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में आता है, परंतु एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में नहीं आता। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? अभी हमने एक नया प्रोग्राम जो अपना चलाया है कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? जनवरी 25 को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, जनवरी 25। आगे बोलते हैं स्लैक सेशन इन इंडियन इकोनॉमी, तो मंदीसमय इंडियन इकोनॉमी में कौन सा होता है? जैन से लेकर जून तक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जैन टू जून सही आंसर है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था 1935 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं द टाइप ऑफ प्लानिंग एक्सपेरिमेंटेड बिटवीन 1978 एंड 1980s, तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। ऑप्शन ए सही आंसर है, रोलिंग प्लान। 184 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनमें से नहीं है, CRY ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। आगे बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी जो होती है वो किस तरह की होती है? तो जो मिक्स्ड इकॉनमी होती है इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु इज नोन फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ रिमूवल ऑफ बॉन्डेड लेबर, तो बोलते हैं बंधुआ मजदूरी को हटाने के क्षेत्र में कार्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध थे? तो स्वामी अग्निवेश जो था ये प्रसिद्ध थे बॉन्डेड लेबर को रिमूव करने के लिए। 187 में बोलते हैं द क्लोज्ड इकॉनमी इज वन विच डज नॉट, तो क्लोज इकॉनमी उसको कहते हैं जहाँ पर दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड विद अदर कंट्री, नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे। ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। 189 में बोलते हैं ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स बट इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, तो बोलते हैं कि दो या दो से अधिक फसलें निश्चित बुआई पैटर्न के में पैदा करने को किस रूप से जाना जाता है? इंटरक्रॉपिंग उसको कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 190 में बोलते हैं कि एक रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो एक रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच प्रोसेस, तो सन की एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइसोनैप रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इक्वल, तो क्लाउडीनेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 193 में बोलते हैं अ ब्रॉड लो एम्बैकमेंट बिल्ट अप अलोंग द बैंक ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड इज कॉल्ड, तो उसको लेवी कहते हैं। बाढ़ के दौरान नदी धारा के तट के साथ बना एक चौड़ा नीमन तटबंध जो है वो लेवी कहलाता है। 194 में बोलते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज, तो इंडिया में वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूस करता है वो चाइना करता है। आपको ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एटमॉस्फेयर वाज मेड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको बैन करने के लिए पहला प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही आंसर है। 196 में बोलते हैं विच यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट बट द बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद ईच अदर, तो ये है पुडुचेरी यूनियन टेरेटरी जिसमें 4 जिले हैं परंतु जिलों की सीमा जो है एक दूसरे से नहीं मिलती है। आगे 197 में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है 68° 7' ईस्ट और 97° 25' ईस्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये भी हमने डिस्कस किया था। 198 में बोलते हैं द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो सबरीमाला स्टेट केरला में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिवर दामोदर बोलते हैं इसको सॉर ऑफ बंगाल भी, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसमें फ्लड ज़्यादा आती है, गेट फ्लडेड सून। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड आर अट्रैक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेनी सीजन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बोलते हैं कि जो किसके कारण जो है वो दक्षिण पश्चिम हवाएं जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जो है वो आकर्षित होती है, तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। इस रीज़न को क्या कहते हैं? तो इसका होगा लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया।
और देखो रही बात टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है आपको पहला पार्ट भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पर हमारे साथ 18,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको भी हेल्प मिलती रहे। तो इतना ही था इस पेपर में, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।